हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में ठीक होंगे। हम भी यहाँ बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू मे निजी व्लॉग्स। और बज रहे हैं शाम के 6 और मैं और पापा तैयार होके जा रहे हैं मॉल को, क्योंकि घर बैठे थे, हमको था कि चल क्या बोर हो ना, चलो आज मॉल ही घूम आते हैं। तो हम चले मॉल को, यहीं पास वाले KP मॉल जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, फिर आपसे वहीं मिलते हैं। मतलब 5 मिनट की दूरी पे घर है, फिर भी घर से आए। वॉशरूम जाना मैंडेटरी होता है मौला के, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मेरे साथ तो हमेशा होता है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना आपके साथ होता है कि 2 मिनट मार्केट गए और जाते ही वॉशरूम। हम घर आ गए, कुछ भी मॉल में शूट नहीं किया क्योंकि जाते ही गौरव का फोन आ गया था। गौरव से बात करते करते गए, गौरव से बात करते करते आ गए। कुछ हमने लिया भी नहीं, ना पापा ने लिया ना मैंने लिया, बस युवान ने शॉपिंग किया। युवान ने अपनी 2 ड्रेसेस और टॉय और खाना खा रहा है, कुकी के लिए हमने ट्रीट्स ली बस। सब क्यों, वैसे भी KP मॉल 8 बजे बंद हो जाता है, तो हम जल्दी जल्दी गए थे और जल्दी जल्दी आ गए। बस थोड़ा सा वॉक घूम घूम के आ गए, मतलब थोड़ी सी आउटिंग होगी हमारी, और तो कुछ खास नहीं। अब मैं हम कुछ खा के भी नहीं आए क्योंकि हमने कहा कि हम कुछ बाहर से नहीं खाएंगे। वेरी गुड युवान। तो हम खाएंगे बर्गर, मैं बनाने लगी हूँ बर्गर जितनी देर पापा युवान को खाना खिला रहे। फटाफट से बर्गर बनाती हूँ। फ्रेंड्स, हमने बर्गर खा लिए हैं, पापा और युवान सो गए हैं, मैं अभी जाग रही हूँ। मैं थोड़ी सी किचन क्योंकि उस वक्त नहीं समेटी थी तो अभी समेटूंगी, और एक मिनट में पहले लाइट ऑन कर लूँ ज़रा यहाँ की। हाँ, तो मैं अब किचन समेटूंगी क्योंकि मैं युवान को सुलाने लगी थी। तो अब युवान सो गया है, पापा भी सो गए हैं, तो मैं करती हूँ किचन की थोड़ा समेटा समाटी और कल सुबह की तैयारी, और उसके बाद फिर मैं भी बेड में जाऊँगी। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग हो गया, नेक्स्ट डे उठ गए हम। और मैं तो सुबह अभी 8 बजे, बट मैं 6:30 उठ गई थी क्योंकि कुकी ने मुझे भौंक भौंक के उठा दिया था। पापा जाते हैं सुबह सुबह वॉक पे और कुकी को टेंशन हो जाती है, हम मुझे छोड़ के चले गए, बस उस गम में वो मुझे उठा देती हैं। मैं उठ गई थी 6:30 बजे, उठ के मैंने कॉफ़ी पी लिया और अब तो पापा भी आ गए हैं वॉक करके। 8 बज गए हम सुबह के, और आज है पापा का मैच है। पापा, आज कौन सा मैच है, किसका? वेस्ट इंडीज और इंडिया। वेरी गुड, आज पापा का है मैच और पापा बैठ गए अपना सामान लेके, मतलब पापा बैठ गए सामान लेके पापा बैठ गए मैच देखने के लिए। और ये देख लो, इसने इतना दुखी कर रखा है ना, मतलब अगर किसी ने अडॉप्ट करना ना हमारा कुत्ता, प्लीज आके ले जाओ, मैं तो सच में फ्री में देने को तैयार हूँ। इतना दुखी क्या हुआ ना कुकी, तूने हमें दिन ब दिन ना बस हेड्स ओवर हील्स होती जा रही है क्या है? बस हिलाई जा पूंछ, तेरे से बात कर लो तो हो गया मैच शुरू आपका, क्या होना है अभी? चलो जी, पापा का लग गया मैच और पापा बैठ के देखेंगे मैच, मैं करूँगी थोड़े से काम जब तक युवान नहीं उठता। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमारा पोपट हो गया, आई मीन पापा का भी पोपट हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि जिस चैनल पे मैच आना है वो चैनल हमारे लग नहीं रहा है, DD स्पोर्ट्स। तो हमने ढूंढ लिया बहुत सारा, वो चैनल अवेलेबल ही नहीं है। मुझे लगा स्टार स्पोर्ट्स पे आना होगा जैसे पहले आ रहा था, बट पोपट हो गया, पापा बेचारे सैड होकर बैठ गए हैं। माई अपोलॉजीज पापा, वेरी वेरी सॉरी, पर मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, DD स्पोर्ट्स नहीं आ रहा। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैंने IPTV वालों को नहीं बोला था, आई कैन नॉट डू नथिंग। आप ऐसे करो, ये देख लो पिक्चर, देख लो कोई देखना आप जरा। बेचार पापा तो सुबह सुबह सैड हो गए, बट बड़ा मजा आया मैच। पापा ने मेरे को गुस्सा किया क्योंकि मैच नहीं लग रहा। पापा सॉरी, प्याज काट रही थी यार, बहुत कौड़ा प्याज है, इतना गंदा कौड़ा प्याज है ना, देखना पापा मेरी हालत, आंखें नहीं खुल रही मेरी। आपकी खुल जाएंगी? मेरे को नहीं होता। अच्छा, आप चैलेंज कर रहे हो कनाडा के प्याज को? ये बन रहे मेरे मस्त से उत्तपम, इंस्टेंट वाले उत्तपम है, रवा उत्तपम, तो फटाफट ये बन जाएंगे, पापा को खिलाती हूँ। तो हुआ क्या ना, जब मैं सो के उठी, अभी बजे थे सिर्फ 11, तो मैंने कहा पापा नाश्ता कर लो, कोई बात नहीं, आपकी आज जो विंडो है वो 12 बजे तक है, बट आपको भूख बहुत लगी है क्योंकि ना कल हमने 8:30 बजे घर आके बर्गर खाया। तो ऑफकोर्स अब इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो 14 से 16 घंटे का ब्रेक होता है, तो मैंने बोला पापा 1 घंटा पड़ा है, कोई ना चलो चीट कर लो खा लो। कहते नहीं नहीं 1 घंटा रुक जाता हूँ, ऐसे मुंह सा बना के। मैं कहा मुझे पाप चढ़ा रहे हो? कहते कोई बात नहीं चढ़ने दे। मैं कहा चलो खा लो, पर वैसे भी 11:30 हो गया, अब खा ही लेंगे पापा। तो पापा को नाश्ता कराती हूँ मैं, गौरव के लिए भी बनाती हूँ कि उसने जल्दी निकलना है, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, गौरव चला गया था काम पे टाइम से, और फिर ना हम थक गए थे तो हम सारे रिलैक्स करने लगे। आज युवान भी थोड़ा सा क्रैंकी था, पर अब हम उठ गए हैं, शाम हो गई है, अभी हमारा
विंडो ओपन है खाने की, तो पहले हम सोच रहे हैं हम एक चक्कर लगा के आते हैं फिर आके खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर और हमने कर लिया डिनर, युवान ने नहा लिया है और आज मौसम अच्छा है तो हम सोच रहे हैं बाहर बैठेंगे। तो पापा को मैंने बोला प्लीज पहले ग्रास कटिंग कर दो थोड़ी सी, तो उसके बाद हम बाहर बैठेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ पापा आज अपने आप ग्रास कटिंग कर रहे हैं। ये देखो फ्रेंड्स पापा भी ग्रास कटिंग कर रहे हैं आज। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं बाहर, पापा ने बहुत सुंदर ग्रास कट करी है, पापा ने पहली बार खुद से करी है, पिछली बार तो गौरव के साथ पापा कर रहे थे। और ये देखो युवान को आ रही है नींद अब। ये देखो जी कितनी सुंदर ग्रास पापा ने काट दिया, थैंक यू पापा। और साथ ही ना हमने लगा लिए हैं ये कछुआ छाप क्योंकि इतना मोटा मोटा मच्छर है। सो मेरे विनीपेग के फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता बाकी कनाडा में मच्छर है या नहीं क्योंकि विनीपेग में बहुत है, तो मैं आपको सच्ची बताऊं ये कछुआ छाप ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब हमने दो लगाई हैं हमारे पास में और सच में अभी तक मच्छर नहीं काटा हमको, जबकि इतना मोटा मोटा मच्छर है। तो अगर आपको भी बाहर बैठना है बैकयार्ड में इंजॉय करना और मच्छरों से प्रॉब्लम है ना, तो कछुआ छाप ले आओ। हम लोग ये लेके आए इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, आपको भी मिल जाएंगी इंडियन ग्रोसरी स्टोर से किसी पे भी, तो आप भी ले आओ। और दो ऐसे अपने आसपास अगर ज़्यादा लोग बैठे हैं तो चार पांच ला के बैठ जाओ, बस बेस्ट है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत अच्छा है ये मतलब नुस्खा ना, पापा ने बताया मेरे को, पापा बता रहे थे कि उनका कोई बाहर इवेंट हुआ था कभी इंडिया में, तो इंडिया में भी इतना मच्छर है तो उन लोगों ने ऐसे किया था तो बहुत कामयाब था, तो हमने भी किया और बहुत सच में मतलब 100 out of 100 मार्क्स हैं पापा को इसके लिए। तो हमको पहले पता होता, हम पहले ले आते, हम इतने दिनों से बाहर ही नहीं बैठे। वो मॉस्किटो जैपर मैंने मंगवाया था वो मैंने लगाया, बट पता क्या उसके लिए तो आपको अंधेरा चाहिए, तो जब यहाँ तो अंधेरा 10:30-11 बजे होता था, तब तक तो हम वैसे ही सो जाते हैं, तो इसलिए ये कछुआ छाप बेस्ट है भैया, इसको जला लो। हमने भी जला के बैठ गया और बहुत अभी तक कोई मस्कीटो नहीं आया, युवान मेरे पास गोदी में है। और पापा बाहर बना रहे हैं आज बड़ा अच्छा माहौल, करने लगे हैं बॉनफायर। हैं पापा बॉनफायर मस्ती करने वाले हो, पर हमको गौरव की बड़ी याद आ रही है, बेचारा काम पे है, अगर होता तो उसके साथ भी हम एंजॉय कर लेते। हाँ पढ़े हैं, वाह जी वाह, बॉनफायर है शायरे। पापा तो ट्रू कनेडियन हो रहे, लो है ना, ये आग लगाने का काम तो ये अमृतसर वाले ही कर सकते हैं, परफेक्ट वाला है ना, स्पेशलिटी है ये तो। पीलाल 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 बोले तो पवाड़ेलाल पवाड़ेलाल मिनीलाल। अच्छा मेरे को एम भी बदनाम करी जाओ। ओके बाय। ये लगे पापा मम्मी से बातें करने में, मम्मी 5-5 मिनट बाद फोन करती है, अभी करती हूँ, अभी मैं काम कर लूँ फिर करती हूँ, अभी मैं काम कर लूँ फिर करती हूँ, पर 5 मिनट बाद बहुत फोन आ जाता है। हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, हो गया है नेक्स्ट डे, कल बॉनफायर करके इतना मजा आया कि पापा और मैं जाके फिर सो गए थे, और अब मैं सीधा किचन में एप्रन में आपको दिख रही हूँ और साथ में बन रहे मेरे परांठे, और पापा और गौरव कर रहे हैं नाश्ता। ये रहे दोनों, ये नाश्ते पे लगे हुए हैं, टेबल देख लो कैसे खचाखच भरा हुआ है, सारा सामान यहीं पड़ा है, चटनियाँ 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 चटनियाँ। और ये कुकी को पता चल गया कि हम जा रहे हैं तो अब वो रोल पोल होएगी सारे मतलब फ्लोर पे, और करेगी कि मुझे भी साथ लेके जाओ, बट हम उसको मॉल नहीं लेके जा सकते हमारे साथ। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए प्लीज़ अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मिनी जी व्लॉग्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, वो जो कि हम अभी थोड़ी देर में स्टार्ट कर देंगे। ओके बाय।